न्यू यूट्यूबर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सबको लगता है भाई सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं। आज हम जो बताने वाले हैं 10 पॉइंट बताने वाले हैं, सही से देखिए समझिए, स्किप मत कीजिए क्योंकि फिर कोई दूसरा बताने वाला नहीं आएगा। ऐसा पॉइंट जो है ना समझ लो, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा ये। आपको 10 पॉइंट बताएंगे A to Z, आप अगर सही से इंप्लीमेंट करते हो आपकी वीडियो ग्रो करेगा ही करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आप सबका दोस्त कृष्ण कुमार हूं, आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूबर कृष्ण पे। आप सब अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे ऑल इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलता रहेगा। आज जो हम बताने जा रहे हैं न्यू यूट्यूबर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में आपको जो है ना 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं, एक एक करके अच्छा से समझ जाइए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप जो है ना समझ नहीं पाओगे, फिर बोलोगे जो हम समझे नहीं या मेरा बन नहीं रहा है, इसलिए अच्छा से देखो। फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी कंटेंट होना जरूरी है। आप जिस पे वीडियो बना रहे हो ना, वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट के मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, कंटेंट में दम होना चाहिए। जैसे हम आपको समझा रहे हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इस पे कंटेंट में दम है, क्योंकि पर डे लाखों यूट्यूबर इस पे सर्च करते हैं तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ऑटोमेटिक ग्रो करेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है जो ऐसे टॉपिक पे बना रहे हो जो कोई सर्च ही नहीं करता या सालों दो साल में एक बार सर्च करेगा, ऐसा टॉपिक पे बना के कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे टॉपिक बनाओ जिससे हर कोई सर्च करे, तो वो टॉपिक है। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाइए या ऐसा कंटेंट बनाइए जिसपे सर्चेबल आ सके, उस तरीके से। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, थंबनेल होना चाहिए, अट्रैक्टिव थंबनेल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में अट्रैक्टिव थंबनेल का मतलब ये होता है, थंबनेल देख के ही उस पर क्लिक करें और व्यू आए। आपको उसके उदाहरण तौर पे बताते हैं, आपने किस तरीके से वीडियो बनाया है, क्या वीडियो है, जब वीडियो देखेगा तब पता चलेगा। लेकिन आप क्या थंबनेल बनाते हो, ये जो है ना ऊपर से दिखता है, यूट्यूब जो दिखाता है ना सबसे पहले वही चीज दिखता है भाई। तो सबसे जरूरी चीज है ये, जो आप किस तरीके से थंबनेल लगाते हो, और इस तरीके से थंबनेल बनाइए जो भी देखे उस पर क्लिक कर दे, क्लिक करते ही लगे जो हाँ भाई इस थंबनेल में दम है, क्योंकि आपकी वीडियो देखे ना देखे आपकी थंबनेल देख के ही करेगा। तीसरा चीज, अब आ रहे हैं तीसरा पॉइंट पे, स्किप मत करो, पूरा देखो। अगर स्किप किया तो समझोगे नहीं, फिर बोलोगे जो क्या हमने गलती की हमको पता नहीं, ठीक है। स्किप मत करो, पूरा देखो और समझो। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो लाखों का है। तीसरा पॉइंट है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। वीडियो तो बाद में देखता ही है, सबसे पहले आदमी सर्च करता है वो होता है आपकी टाइटल। तो जितना जरूरी है आपकी वीडियो बनाना उतना ही जरूरी है आपकी टाइटल लगाना, वो भी सही टाइटल होना चाहिए। अगर आपको टाइटल नहीं लगाने आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे टाइटल जो है कहाँ सर्च करें और किस तरीके से लगाएं जिससे आपका वीडियो भी सर्च में है। आप कभी भी देखिएगा जो टाइटल अच्छा रहता है ना वो जाता है रैंकिंग में। अगर आपको वीडियो भी रैंकिंग कराना है ना तो टाइटल मस्त होना ही चाहिए। और डिस्क्रिप्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है आप किस पे वीडियो बना रहे हैं और उसका क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, क्या क्या सर्च हो सकते हैं, वो डालना उस पे जरूरी है। डिस्क्रिप्शन जो है ना अगर आप नहीं जानते तो आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। अगर ये भी आप नहीं जानते हैं किस तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाए तो हमको कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, हम आपको बताते हैं हर पॉइंट बाय पॉइंट, 10 पॉइंट, अभी तो तीसरा ही है ना, आपको पूरा बताते हैं। स्किप मत कीजिए, समझिए बात को, क्योंकि लाखों की बता रहे हैं। एक वीडियो अगर आपकी बढ़ गई ना करोड़ों रुपया कमा सकते हो भाई। चौथा मैं भी बता रहा हूं, हैशटैग। हैशटैग क्या है? आप जिस वीडियो जिस पे भी वीडियो बना रहे हो
या जिसके लिए भी वीडियो बना रहे हो उसका रैंकिंग हैशटैग कैसे लगाएं, इस पर भी आपको नेक्स्ट में हम वीडियो लाने वाले हैं। और जानते हैं तो उसके रिलेटेड ही हैशटैग डालिए, ये नहीं तो हैशटैग भर दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। उसके रिलेटेड ही टैग्स डालिए और उसको जो है ना कंट्रोल से अच्छे तरीके से बताइए। आप हैशटैग डालना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जो है ना वीडियो रैंकिंग करने के लिए हैशटैग बहुत जरूरी है। ये पांचवा पॉइंट जो है ना बहुत खतरनाक है भाई, आपको भी लगेगा जो हाँ कुछ ना कुछ है। छठा पॉइंट, स्टार्टिंग में आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, जो जानने वाले हैं उसकी मोबाइल से सब्सक्राइब करो। उस सब्सक्राइब करके क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। सब्सक्राइब करके जब भी वीडियो डालते हो उस मोबाइल से बोलो पूरा वीडियो देखने के लिए, एक भी नहीं छोड़ने के लिए। जैसे आप अभी स्किप नहीं कर रहे हो उसी तरीके से उसको बोलिए देखने के लिए। उससे क्या होंगे, आप जो वीडियो बनाओगे आपकी फैमिली रहेगी, फ्रेंड रहेगी, वो तो पूरा नहीं अधिक देख करेगा ना स्किप। उससे क्या होगा, यूट्यूब को लगेगा भाई इस वीडियो में जान है इसलिए पूरा देख रहा है। जब पूरा देखेगा यूट्यूब को लगेगा अच्छा वीडियो है तब तो देख रहा है, और जब अच्छा वीडियो है तो यूट्यूब भी रिकमेंड करता है, यूट्यूब भी भेजेगा दूसरे के पास भाई अच्छा वीडियो है आप देखो। इसलिए ये जरूरी है जो आप जो है ना स्टार्टिंग में जब भी वीडियो डालते हो आधा घंटा के अंदर आप अपना CTR और व्यू डायरेक्शन जो होता है वो बढ़ा लो, आपको ऑटोमेटिक ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सातवां पॉइंट, वीडियो का साउंडिंग क्वालिटी अच्छा करो। आप जब भी वीडियो बनाते हो वीडियो का जो है ना ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो नहीं चलेगा, इतना समझ लीजिए। क्योंकि सबसे पहले जो है ना आपकी वीडियो देखते हैं और दूसरा जो है ना आई कॉन्टैक्ट और साउंड कॉन्टैक्ट होता है। अगर आपकी वीडियो में कोई साउंड कॉन्टैक्ट हो गई और आई कॉन्टैक्ट हो गई तो वो भूल जाता है जो मैं क्या करने वाला हूँ, स्किप वो कभी भी नहीं करेगा, अच्छा से देखेगा। और आपको आठवां पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत ही खास है, आप जो है ना चैनल का जो इंट्रो होता है वो एडवांस लेवल पे दीजिए। जब चैनल का इंट्रो लगाते हैं ऐसे लगाइए जिसे अट्रैक्टिव हो। अगर चैनल का इंट्रो अट्रैक्टिव होगा कोई भी आपके चैनल पे क्लिक करेगा, देखने में लग रहा है अच्छा, तो भाई कोई नहीं आपको क्लिक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है इंट्रो को जो है ना इतना अट्रैक्टिव बनाइए देखते ही लगे जो हाँ। जैसे आप अभी यूट्यूबर कृष्ण को सर्च करोगे आप हमारा चैनल आएगा, उस पर देखना ऊपर में बैनर लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, इस तरीके से लगा है, देखने में इतना अच्छा लगेगा भाई चलो सब्सक्राइब कर देते हैं। क्योंकि चैनल अगर अच्छा इंट्रो है तो मेंबर को लगता है यूट्यूबर भी अच्छा होगा। अगर यूट्यूबर अच्छा है तो सबसे पहले आपको इंट्रो अच्छा करना पड़ेगा। और 10 सबसे लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, कभी भी वीडियो स्टार्टिंग में बनाइए तो कोशिश कीजिए 3 मिनट से ऊपर ही रखें, छोटा वीडियो नहीं बनाएं। अगर छोटा वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट की तरह मत बनाइए, बड़ा वीडियो बनाइए। मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना लंबा वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए और ऐसा एंगेजिंग वीडियो बनाइए जिसपे जो है ना मेंबर देखने के लिए तड़पे जो हाँ भाई अब कुछ बताने वाला है, अब कुछ बताने वाला है, इस तरीके से वीडियो बनाइए। और सबसे लास्ट जो सब्सक्राइबर के लिए महान योद्धा की तरह काम करेगा वो है अभी के टाइम में यूट्यूब शॉर्ट वीडियो जो है सब्सक्राइबर लाने में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, समझिए जितनी लाइफ में आपको पानी की जरूरत होती है। अगर लाइफ में पानी नहीं है ना और सब्सक्राइबर के लिए जो है ना शॉर्ट वीडियो नहीं है तो अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए शॉर्ट वीडियो इस तरीके से बनाइए जो उसको देख के आप सब्सक्राइबर लाए। लॉन्ग वीडियो में सब्सक्राइबर आएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा भाई, सब्सक्राइबर आप जल्दी से बढ़ाना चाहते हो तो शॉर्ट वीडियो में आप जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हो जिससे आपकी जो है ना चैनल बहुत ही ग्रो हो जाएगा।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।